और लखनऊ से खबर है, सीएम योगी ने एमएलसी की शपथ ले ली है। विधानसभा के तिलक हॉल में एमएलसी की शपथ सीएम ने ली। सीएम के साथ सभी नौ निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। केपी मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, मोहसिन रजा ने भी शपथ ली। सभापति रमेश यादव ने शपथ दिलाई है। 8 सितंबर को योगी समेत सभी मंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बीजेपी ने परिषद की 6 सीटें विपक्षी दलों के नेताओं से खाली कराई थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव कराने का निर्णय लिया था और इन 5 सीटों पर इनका निर्वाचन हुआ। 5 तस्वीरें, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, बीच में आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी शपथ ले ली है आज। स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री और मोहसिन रजा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। केशव मौर्य ने आज विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ खुद केशव मौर्य जी हैं। सर, एक नई जिम्मेदारी मिली है, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या योजनाएं होंगी अब आगे? मैं अपने माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व का यह जो विश्वास है उसे जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ कि 5 वर्ष के भीतर तीसरे सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने का मौका दिया और योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में प्रदेश की 22 करोड़ जनता की सेवा करने का आदेश दिया है और हम सबका प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करें, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी, एमएलसी की सीट छोड़ी, जिन्होंने इस्तीफा दिया उनके लिए क्या? वो जो इस्तीफा दिए हैं या जो सीटें खाली हुई हैं उसमें हम लोग सदस्य के रूप में आए हैं, कोई शर्त के साथ कोई सीटें नहीं खाली किया है। जिन लोगों ने भाजपा परिवार का हिस्सा बनना स्वीकार किया उनका सबका पार्टी परिवार में स्वागत है। थैंक यू सर। तो आज सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की और जैसा कि केशव मौर्य का कहना है कि हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले जो वादा किया था जनता से, उस वादे को किस तरीके से पूरा किया जाए, इसके लिए ये सरकार दिन रात काम भी कर रही है। कैमरामैन अमित सानी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। सर, एक नई जिम्मेदारी मिली है आपको, इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए, व्यक्ति का कोई भी दायित्व व्यक्ति को दिया जाता है वो उसके प्रति जवाबदेही भी साथ में उतनी बड़ी तय करता है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने का 3/4 बहुमत दिया है। हमारा कर्तव्य है कि उसके विश्वास को हम और अधिक मजबूत करें अपने कार्यों के द्वारा, और पार्टी नेतृत्व ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है कि हमको विधान परिषद का सदस्य और उप मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम पार्टी के प्रति भी और जनता के प्रति भी जवाबदेह हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा के और अधिकतम जो अपना हम सर्वस्व कार्य प्रणाली के द्वारा दे सकते हैं वो देने का हम प्रयत्न करेंगे और मुझे पूरी खुशी है कि हमने 5 माह का जो थोड़ा सा ज़्यादा समय बीता है उसमें उतने काम किए हैं हम सब ने मिलकर एक टीम भावना के रूप में, जितना लोगों ने 5 वर्षों में नहीं किया है। श्वेत पत्र भी जारी हो रहा है आज। मैंने कहा मेरा श्वेत पत्र तो हर दिन का है, हर दिन जनता के प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना एक हर राजनीतिक का कर्तव्य है। थैंक यू सर। तो आज सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य ने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव ने इनको सदस्यता की शपथ दिलाई है और चूंकि आज सरकार अपना 6 महीनों के कामकाज को लेकर श्वेत पत्र भी जारी करने वाली है और जैसा कि दिनेश शर्मा ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता है राज्य का विकास करना, लोगों के प्रति जवाबदेह देना और किस तरीके से जो विकास का मॉडल है उसको आगे बढ़ाया जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैमरामैन अमित सानी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ। सर, एक नई जिम्मेदारी मिली है, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या योजनाएं होंगी? क्या है, आज से नहीं, जब से हम लोग संगठन में जुड़े, भारतीय जनता पार्टी का अपना सपना है कि पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो और गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों के घरों में 24 घंटा लाइट हो, उनके सर पर छत हो, भरपेट भोजन हो, दवा फ्री हो, शिक्षा फ्री हो। इसके लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के नेतृत्व में होगा और ये सुविधाएं उनके घर तक पहुंचेगी। सर, आज सरकार अपना श्वेत पत्र भी जारी करने जा रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई में जरूरत थी सरकार की 6 महीनों के कामकाज? पिछले 15 सालों से लोग लूट रहे हैं, प्रदेश की व्यवस्था खराब थी, दलालों का और ये सब कमीशन, मतलब लंबा रेट तय था सभी लोगों का। अब ये व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, इसीलिए निर्णय लिया जा रहा है। थैंक यू सर।
तो आज सभी सदस्यों ने जो तमाम पांच जो लोग थे जिसमें कि खुद सीएम योगी मौजूद, सीएम योगी भी शामिल थे, इन लोगों ने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। हाल मंत्री बने थे तब एक समय अवधि होती है 6 महीने की, 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी था। तो चूंकि 19 सितंबर की समय अवधि थी और 19 सितंबर तक इन सभी लोगों को किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य था, तो आज सीएम योगी सहित 4 लोगों ने विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। कैमरा मैन अमित सहनी के साथ अविनाश सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।